तो एक्साइटिंग बात यह है कि जिस चीज़ के लिए मैं आया था यहाँ कि मुझे कोलका सिमडो जाना है और हाथी की राइड करना है, तो वो काम अभी होने वाला है। तो आप आगे मेरे वीडियो में देखोगे उसको कि हाथी की राइड करना बहुत दिन से, आई मीन वो एक एक सपना था एक मेरा कि मैं एक हाथी की राइड करूँ। तो अभी मैं कोलकास के ये रेस्ट हाउस में आया हूँ। अभी उन लोगों ने 800 रुपये बोले हैं हाथी का, और 3:30 बजे हाथी का टाइमिंग है जो आएगा और हमें राइड कराएगा। तो अभी गार्डन में जाने के लिए 30 रुपये एक पर्सन का लग रहा है, और हम लोग 3 हैं तो हमको 90 रुपये यहाँ पे करना होगा। और स्टिकली बहुत है यहाँ, कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप प्लास्टिक फेंकते हो तो आपको फ़ाइन है, अगर आप कोई जानवर को कुछ खिलाते हो तो आपको 25,000 रुपये फ़ाइन है। सो प्लीज़ ऐसे काम ना कीजिए जिसकी वजह से अपने को फ़ाइन मिले और जानवरों को कोई अपने वजह से तकलीफ़ हो या हानिकारक हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने तरफ से सेफ्टी रखिए और उनको भी सेफ रहने दीजिए। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि अभी मैं जाने वाला हूँ अंदर। सो बहुत मैं हैप्पी, खुश, एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। टेक केयर। चलना उसके पीछे पीछे। हाँ, अभी वो बोलता हमने इधर ही रहना, मतलब 25 रुपये देने पड़ेंगे फिर देखने। सो आपने देखो अभी हाथी। हाँ हाँ बोलो उसको, उधर उधर उसके अंदर घुसन दे, उधर उधर जाएंगे सामने से फोटो निकालने के लिए। सो अभी हमें रुकना है बिकॉज अभी उनका वॉशिंग टाइम है, आई मीन उनको सर्विसिंग ले सर्विसिंग करने वॉश करने लिया रे। इनका ये सर्विसिंग सेंटर है, आई मीन के वॉशिंग सेंटर है। सो अभी 2:45 बज रहे हैं, 3 बजे का राइडिंग टाइम है, और ये लोग टाइमिंग से ज़्यादा चलते हैं, टाइमिंग से एक्चुअल टाइम में चलते हैं, पंचुअल आई मीन ये लोग। सो देखिए आप ही भी इधर वॉशिंग के लिए गए हैं और हमें कहा है कि अभी और हमें रुकना है 15 मिनट्स। तो देखते हैं, रुकते हैं फिर लेते हैं राइड का मज़ा। एक बार तो फाइनली हम बैठ चुके हैं हमारे हाथी मेरे साथी के साथ। मैं, इमदाद, रिहान और एक हमारे साथ पायलट भी है जो इसको राइड कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा बोलना चाहे तो। आप जब भी आए कोलकास तो मेरे ख्याल से आप राइड कर लीजिए हाथी की, क्योंकि मज़ा आ रहा है। और डरिए बिल्कुल भी मत, क्योंकि बस अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और 10 किलो रोटी, 800 रुपये चार्जेस है। ठीक है, एक बार के देना चाहिए, फर्स्ट टाइम जब राइड कर रहे हैं अपन तो। राइड ले रहना रहे हो? ठीक है, राइट साइड ले रहा हूँ। पीछे एक और है मेरे साथ, वो भी आ रहा है साथ में। ऊपर था धूप होना तो चाहिए था। तो ठीक है, अभी के लिए धीरे धीरे हम राइड करते हैं, मिलते हैं आगे। टेक केयर। हाय। सो गाइस, ये हाथी की जो एज, ओ माय गॉड, इसने मारा इसको। मार रहा क्या करा उसने?
जोर के मार दे रहे तूने उसको, कुछ नहीं होता। नहीं अच्छा लेकिन चढ़ भी वैसी होगी इसकी। सो एनीवे तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो हाथी है हम जिस पे राइड कर रहे हैं उसकी एज तकरीबन 50 साल है, ऐसा ये हमारे पायलट का कहना है। काफ़ी पुराना है और इनका कहना है ये भी है कि इसके पहले क्या नाम होगा मिश्रा, मिश्रा इनका कहना है कि इनसे पहले 4 काका लोग जो इसके पहले जो पायलट थे इन लोग के तो वो रिटायर हो चुके, यानी तकरीबन इसे 50 साल हो चुके इस जंगल में आने के लिए। और यहाँ से मैंने भी पूछा हुआ कुछ लोग उनसे तो उन्होंने कहा कि ये केरला साइड के हाथी है जो यहाँ लाए हुए थे। और ये जब ये लाए गए थे हाथी यहाँ पे तो काफ़ी छोटे छोटे थे, अब इनको यहाँ आने के लिए 50 साल हो गए। सो काफ़ी टाइम है 50 साल बोले तो ठीक है। अभी की ये राइड है अभी भी कंटिन्यू है, तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा ये राइड कराते हैं अपन हम लोगों को और काफ़ी मज़ा आता है। तो ठीक है देख। सो फाइनली हम जा चुके हैं जहाँ हम जा रहे हैं घर की ओर। पहले यहाँ से अभी हम चिकलदरा जाएंगे, राइड काफ़ी अच्छी थी। ओह माय गॉड पानी। और अब निकलने का लिए टाइम तो चलते हैं आगे की ओर, आगे अपना वीडियो बनाएंगे। कैसी है? जबरदस्त।